कि 10 सीटों पे उपचुनाव होना था लेकिन मिल्कीपुर सीट पे चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं? पहली बात तो कोई बोलता नहीं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, चुनाव आयोग कटघरे में है। भारतीय जनता पार्टी हिंसा करा रही है और प्रशासन को पुलिस को वहाँ से विड्रा कर लिया गया। योगी ने सर्वे कराया था, पता लगा सीट वो हार रहे हैं तो दोबारा फेरबदल किया, तमाम बीएलओ हटाया, इनको हटाया, उनको हटाया, फिर सर्वे कराया, फिर वही रिपोर्ट आई। लेकिन बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते। पूरा देश वाल्मीकि जयंती मना रहा है और अखिलेश यादव नूर मंजिल के पास वाल्मीकि प्रतिमा पर आए और माल्यार्पण करा। हमारे साथ मोहनलालगंज से सांसद आर के चौधरी मौजूद हैं। सर, आज वाल्मीकि जयंती है और एक बड़ा सवाल ये उठता है, जो आप लोगों ने छुट्टी घोषित करी थी अपने कार्यकाल में, अब भारतीय जनता पार्टी ने उसको रद्द कर दी है, ये शरारत है और हमें लगता है पूरा देश वाल्मीकि को मानता है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हीन भावना है। बीजेपी की सत्ता या सरकार निश्चित तौर पर इस देश में जो कमज़ोर वर्ग है उसके साथ नहीं है, उसके महापुरुषों के साथ नहीं है। हम कंडम करते हैं सरकार को और यही कारण है कि धीरे धीरे हवा बीजेपी की निकल रही है और धनाधन विपक्ष है, इंडिया अलायंस आगे बढ़ रहा है। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बहराइच में दंगे हुए और फिर उसके बाद अब वो दंगे देवरिया पहुँच गए हैं जिसमें टोटल 3 लोगों की मौत हो गई है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? भाई देखिए, जो बीजेपी सरकार है उसकी जड़ में साम्राज्यता है और उनके सामने कोई विजन नहीं है कि कैसे देश को बनाया जाए। देश माने कंकड़ पत्थर नहीं, देश माने देश समाज है। अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, हर कोई है। इस देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, जो समाज गिराया गया है, पिछड़ा गया है, उससे भी आगे बढ़ने मौका मिलना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते और यही कारण है कि दिल्ली के संसद में सिंगोल खड़ा कर दिया, जो राजतंत्र के प्रतीक है, राजतंत्र प्रतीक है। लेकिन भारत में संविधान है तो निश्चित तौर पर कहने कहने देशवासियों को सोचना चाहिए कि बीजेपी को अब नकार दें और नकारना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस सरकार बनेगी, जहां उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की बात है, निश्चित तौर पर यहां दबदबा समाजवादी पार्टी का है और जब भी चुनाव होगा 27 में सरकार हमारी बनेगी। एक बड़ा सवाल और है सर कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना था लेकिन मिल्कीपुर सीट पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं? पहली बात तो कोई बोलता नहीं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, चुनाव आयोग कटघरे में है। उनके सामने कौन गया था दरखास्त लेके? किसी कोर्ट कोई ऑर्डर था नहीं कि वहाँ चुनाव रोक दिया जाए? कैसे रोक दिया? नहीं रोकना चाहिए था। तो कहने की मैनेजमेंट जो है बीजेपी का वो काम कर रहा है और जिस मकसद से मैनेजमेंट हुआ है वो भी गलत साबित हुआ। योगी ने सर्वे कराया था, पता लगा सीट वो हार रहे हैं तो दोबारा फेरबदल किया, तमाम बीएलओ हटाया, इनको हटाया, उनको हटाया, फिर सर्वे कराया, फिर वही रिपोर्ट आई। तब एक ही सामने वो बचा उनके सामने रास्ता कि चुनाव न कराया जाए। अब चुनाव आयोग चुनाव कराता है, उसे योगी का मतलब, योगी मोदी का मतलब तो चुनाव कराना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार कटघरे में है तो ज़्यादा कटघरे में चुनाव आयोग है। रविदास जी, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आए, उन्हें माल्यार्पण करा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और पूरा देश जयंती मना रहा है, लेकिन भाजपा की सरकार ने जो छुट्टी हम लोगों ने घोषित करी थी उस छुट्टी को निरस्त कर दिया और वित्त मंत्री और नगर विकास मंत्री कह रहे हैं कि हम आज पूरे लखनऊ शहर में दौरा करेंगे और जो ड्यूटी पर नहीं होगा उसको सस्पेंड करने का काम करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो है वो बयान, ये कार्रवाई बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक है। इतने बड़े संत जिन्होंने 10,000 साल तपस्या करी थी, उनकी जयंती पर आज छुट्टी निरस्त करना और फिर उसके बाद जांच करना, ये पूर्ण रूप से निंदनीय कार्य है, तानाशाही पूर्ण कार्य है। और अगर किसी भी सफाई कर्मचारी को आज निलंबित करने का काम किया तो हम लोग भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए मजबूर होंगे और विधानसभा के पहले दिन ही हम लोग इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे लेकिन 9 सीटों का ऐलान हुआ और मिल्कीपुर सीट पर रोक लगा दी गई चुनाव आयोग की तरफ से, कैसे देखते हैं? कि 10 क्षेत्रों
में चुनाव होने थे, लेकिन मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने हार की डर से वो चुनाव को स्थगित कर दिया और बहाना लिया कि कोर्ट में केस चल रहा है। अगर कोर्ट में केस चल रहा था कि चुनाव निरस्त हो और वहाँ के विधायक सांसद हो गए तो चुनाव वहाँ निरस्त अपने आप हो गया, अब चुनाव दोबारा होना था। अगर मान लीजिए ये केस 5 साल चले तो क्या 5 साल के बाद और चुनाव नहीं होंगे? जब चुनाव अगला आएगा उस रेट का याचिका का यही मतलब था कि चुनाव दोबारा कराए जाएं, चुनाव दोबारा हो रहे हैं तो जनता में आने से उनको डर है। उन्हें मालूम है कि मिल्कीपुर पूरे देश भर में चर्चित सीट हो गई है और वहाँ भाजपा बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारेगी। विधायक जी का आखिरी सवाल है, बहराइच में और अब देवरिया में हिंसा हो रही है, कैसे देख रहे हैं? वहाँ हिंसा होने रही है, भारतीय जनता पार्टी हिंसा करा रही है और प्रशासन को पुलिस को वहाँ से विड्रा कर लिया गया। 13 तारीख को वहाँ पर शाम को दंगा भड़का और उसके बाद वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। जिस रूट से जलूस जाना था वहाँ कोई पुलिस की सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं थी, इस कारण रात भर दंगे हुए और अगले दिन सुबह दंगे हुए। अब जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मौन क्यों हैं? विधानसभा में कहा करते थे न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा चंगा, अब बताइए क्या हालत है? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को गुमराह कर जाते हैं, झूठ बोल रहे हैं। 10 विधानसभाओं में चुनाव हार रहे थे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए उन्होंने बहराइच में हिंसा और आगजनी कराने का काम किया है। देखिए बहुत बड़ा आरोप लगाया है, रविदास मल्होत्रा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे, लखनऊ मध्य से विधायक हैं। इनका कहना है कि जो दंगे हुए हैं बहराइच और देवरिया में वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं और इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि महर्षि जयंती पे छुट्टी हम लोगों ने जारी करी थी उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम करा है। इसका मुद्दा हम विधानसभा में उठाएंगे और इसका घेराव भी करेंगे। भारत एक सोच के लिए आके मिराज खान ने